मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से आईपीएल 2023 में मिली अपनी पहली हार का बदला अब ले लिया है। एमआई ने 9 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए होम टीम मुंबई के सामने 200 रन का बड़ा टारगेट रखा था। मुंबई ने इस लक्ष्य को सूर्य कुमार यादव और निहाल वडेरा की तूफानी बल्लेबाजी के चलते 16.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि इस पूरे मैच में क्या क्या हुआ। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में बेंगलोर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए थे। आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा ग्लेन मैक्सवेल ने 68 रन बनाए थे, वहीं फाफ ड्यू प्लेसिस ने 65 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी अंत में आकर तेज़ गति से 30 रन बनाए थे। बात करें मुंबई के गेंदबाजों की, तो मुंबई की ओर से जेसन भेरनडॉफ सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं पीयूष चावला, कैमरन ग्रीन और क्रिस जॉर्डन ने भी एक एक विकेट झटका। T20 क्रिकेट में 200 रन का लक्ष्य चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बल्लेबाजों को लगातार हर ओवर में बड़े शॉट्स खेलने होते हैं। हालांकि मुंबई को बल्लेबाजी करता देख ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें 200 रन का टारगेट चेस करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आई हो। उन्होंने 200 रन बड़ी आसानी के साथ 16.3 ओवर में ही बना लिए। मुंबई के इस रन चेस के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे, जिन्होंने 35 गेंद में 883 रन बनाए। निहाल वडेरा ने भी 54 रन की गजब पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने शुरुआत में तेजी से 42 रन बनाकर मुंबई को अच्छी स्टार्ट दिलाई थी। वहीं बेंगलोर के लिए विजय कुमार और वानेंदु हसरंगा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। इस जीत के साथ मुंबई 12 पॉइंट्स के साथ सीधा पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। आरसीबी को अब 16 अंक तक पहुंचने के लिए अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे। वह इस समय पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स और आईपीएल की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।